में पूरा थिएटर है, अपन को कई बार देखने जाने की जानो नहीं। मैंने क्या देखने जाने की, एक गंदगी भी घर में भर दी। पहले तो आदमी शरीर की गंदगी डालने के लिए डब्बा लेकर गांव बाहर जाता, और हमें तो घर में खाए बाल ने अन गंदगी घर में। तो उदयन के यहाँ जाते थे, विनय रत्न ने भी ऐसी सेवा की, ऐसी भक्ति किया, और गुरु का मन जीत लिया। एक बार गुरु ने बोला चल आज तू, वो तो मौका ही देख रहा था। 12 साल निकाल दिए थे, और 12 साल में क्रियाएं, आराधनाएं, साधनाएं, आमेल, उपास सब अच्छे किए, तो गुरु की नजरों में आया ना। बस मौका मिल गया। उसने क्या किया था, ओघा की इस के अंदर एक छुरी छिपा के रखी थी। गए रात को वहां, औषध ले आया, औषध किया रुदायन राजर्षि ने। गुरुदेव ने धर्म वगैरह की बहुत सुंदर बातें भी समझाई, फिर संथाना करके सोए। औषध लिया था तो वो भी वहीं सोए, महल गए नहीं। अन मौका देखकर रात को उठा विनय रत्न, छड़ी जो छुपा के रखी थी साथ में निकाल कर राजा का क्या कर दिया, गड़ा काट दिया। भग गया, बुंडी बुंडी लेके जाने का मौका मिलता है ना बाहर, और लेके निकला। समझे कि भी तो रोज आते महाराज की शिष्य बाहर आते ही जाते, फरार हो गया वो। तो वो खून बहता 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 जहाँ आचार्य भगवान सोए हुए थे ने, वहां खून का रेला आया, गर्म लगा, उठे देखे तो राजा का दर से अलग खून बह रहा है। आचार्य भगवान ने सोचा सुबह होते ही जैन धर्म की भयंकर निंदा होगी, देखो ये साधुओं के संग में आए, प्राण घुमाया, ये साधुओं ने ऐसा काम किया, राजा को मार दिया। और सोच लगा कि इसका क्या रास्ता, ये तो नहीं बोलूंगा कि भग गया वो करके गया, अरे वो करके गया तुमने किया क्या, उसका प्रूफ है। उसी शरीर को लेकर खुद की भी गर्दन काट दी। आचार्य भगवंत ने धर्म की निंदा ना हो, मेरे शासन की निंदा ना हो, उसलिए आचार्य भगवंत ने खुद की भी गर्दन काट दी। धर्म की प्रशंसा होवे, धर्म का फैलावा होवे, धर्म की निंदा ना होवे, इतना भयंकर कोटि का ध्यान रखते थे महापुरुष। और अपन तो चौरे ने चौटे, कभी किसी पेपर में कोई महाराज साहब का कुछ आया हो उस दिन 10 कॉपी खरीदेंगे। हो रोज तो एक ही लेते हो, और बहुत सी बार तो दूसरी की दुकान में जाकर पढ़कर आ जाते हो, पर यदि कुछ मंदिर का या कुछ ट्रस्टी का या कुछ महाराज साहब का कुछ पेपर में आया हो उस दिन, तो बहुत सारे लोग अच्छे लोग उनको अच्छे बोले जाते, 10 कॉपी खरीदेंगे, बगल में लेके घूमेंगे 10 बार गली, जो भी कैसे हो ठीक हो क्या, नवाजे नहीं तो कुछ नहीं तो लो पढ़ो। जो कितनी धर्म प्रभावना करे हैं, इतनी धर्म प्रभावना करने वाले भी लोग हैं। अच्छी भाषा में बोल रहा हूं, नहीं कभी नहीं करना धर्म की निंदा होने ऐसी जगह बैठना नहीं। धर्म की निंदा जो करते हो ऐसे लोगों का साथ संपर्क करना नहीं। जिन्हें निंदा और कुथली करने की आदत पड़ी हो ऐसे लोगों से तो हमेशा दूर रहना, क्योंकि हो सके तो अपन खुद अच्छी धर्म प्रभावना करे, मगर पेपर लेकर कटिंगे लेकर घूमते रहे, जो मिले उसको दिखाते रहे, तो उससे सामने वाले की श्रद्धा क्या होगी, टूट जाएगी। हाँ अपन धर्म ना कर सके तो कुछ नहीं, मगर अपने निमित्त कोई अधर्म नहीं पाना चाहिए, धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। इतना कर्तव्य और कर्म अपन सीखना, तब आप समझना कि हमारा धर्म हमारे हृदय में है। आचार्य भगवंत ने कर्म तो किया था शिष्य ने, मगर खुद के ऊपर लेकर खुद का भी बलिदान दे दिया। क्यों, कि कल मैं अकेला जिंदा रहूंगा, राजा मर गया है, अब मैं शिष्य लेके आया तक नहीं आया था, खाली महाराजा जानते, दुनिया थोड़ी जानती है, तो अपना खुद का भी बलिदान दे दिया। कभी कभार कोई ऐसी घटना घटे ने तो अपन गंभीरता लाकर उसका सॉल्व करने की कोशिश करना, मगर ये पेपरबाजी पेम्पलेटबाजी
या अपने स्वार्थ के लिए धर्म का काम नहीं बने, समाज का भवन नहीं बने, समाज की संपत्ति नहीं बने, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। उससे कर्म बंधन होते, अनोकर्म कभी न कभी जीवन में उदय आता ही है। तीर्थंकरों ने तीर्थंकरों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा है, तो मेरी और अपनी तो क्या स्थिति परिस्थिति है, है? अपना कहाँ इतना मजबूताई है कि अपन इन कर्मों को सहन कर सके। इसलिए पुण्यवान जीवन में अपन क्या करना है, द्रव्य में से भाव में या दिखावे में से असली में आना है। महाराजा तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त और भगवान महावीर की हयाती में चैनिक राजा का पुत्र जैसे अभय कुमार था, वैसे कौणिक नाम का भी एक पुत्र था। कौणिक की पत्नी का नाम था पद्मावती। चैनिक महाराज ने जब बंटवारा किया तब सबको अपनी अपनी हिस्से सब कुछ दे दिया था, पर महाराजा कौणिक ने हल और विहल नाम के जो दूसरे लड़के थे, उस हल और विहल को एक शेषनक नाम का हाथी दिया था और हार और कुंडल दिए थे। अब वो शेषनक हाथी भी इतना पढ़ाया हुआ था, आजकल कुत्ते किसे पढ़ाए हुए होते हैं, नाक से सूंघकर आदमी को पकड़ लेता है। हाँ, और बड़े अभी बहुत सारे तीर्थों में कुत्ते रखे हुए हैं, रात को 9 बजे छोड़ते, सुबह 5 बजे बंद करते हो। 9 से 5 में कोई आदमी भी निकल जाए ना बाहर तो उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चोरियाँ होती रहती है जंगलों में। तो अभी हम लोग कलश मंदिर गए थे बड़ौदा के बाजू में, मात्रा की कुंडी पठोने के लिए भी बाहर नहीं आने देवे, भूल से बारी में जाके खड़े रहो तो वह भी हमला कर दे। तो पशुओं में भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान देने वाले आजकल शिक्षक भी होते। तो शेषनाग हाथी भी ऐसा ही था, उसको अमुक किलोमीटर तक की सुगंध आ जाती थी कि कहाँ सुरंग बिछाई हुई है, कहाँ बॉम्ब बिछाया हुआ है। तो ऐसा जो हाथी था वो सैनिक राजा ने किसको दे दिया, हल और विहल को दे दिया। एक हार था अच्छा, अरे कुंडल थे वो भी हल विहल को दे दिए। छोटे थे, छोटे के ऊपर हमेशा माँ बापों का प्रेम होता ही है, मगर बड़े भयों में जो उदारता ना हो तो फिर वो ईर्षा का भी कारण कभी कभार बन जाता। इसलिए कुटुंब प्रेम, कुटुंब वात्सल्य जहाँ होता है ना, वहाँ ये सोच होती है कि घी ढरी तो खिचड़ी में ढरी हुई है, तो लेट गो करने की भावना होती है, मगर प्रेम वात्सल्य ना। और खाली पूरा एक ही शिक्षा दिया हो मम्मी पप्पा ने, धन और धंधा का ही शिक्षा दिया हो तो उसको धर्म का प्रेम नहीं होगा, उसे समर्पण का प्रेम नहीं आएगा, उसे लेट गो करने का सोच नहीं आएगा। उसको तो यह आएगा बस मम्मी पप्पा ये भेदभाव की दो, मंडोकरा डोकरी ने बुलावना ही नहीं, अलग वही जाए मारे भंडे में जाए, पहला कदी नहीं आवे वो छोरा, क्योंकि वो ही सीखियो है बनाया। पीछे घर पड़ जाए तो चणतरनी खामी छे, राम सवन नी आ मातृभूमि छे, आ भूमि ना कण कण नी अंदर मातृदेवो भव पितृदेवो भवना संस्कारो रेड़ायेला छे। ત્યાં જો બેટા બાપ સામા થાય તો સમજો કંઈક એમની પણ ખામી છે, માતા પિતાની પણ કંઈક ખામી છે, એટલે તો મા બાપનું સાંભળતા નથી ને। છોટી ઉંમરથી તમને ઉનકો પાઠશાળા ભેજા હો, કભી કભાર શિબિરોમાં ભેજા હો, કભી કભાર સામાયિક કરને ભેજા હો, કભી કભાર પ્રતિક્રમણ કરને ભેજા હો, તો આપકો ફિર રોજ બાત ટોક ટોક નહીં કરના પડેગા, ઓર દોડ કે જાયેંગે, સ્વેચ્છા સે કરેંગે। ઓર એ સંસ્કાર વાલે બચ્ચે 100 में से તો 99 અચ્છે હી હોતે હૈ, કોઈ 2% કદાચ ઉનકે પૂર્વ કે કર્મ સંયોગ સે ગંદે નિકલ જાય યા સહી ના નિકલે તો ઉસમે તો કર્મ કા હી દોષ હૈ। પદ્માવતી રાણી ને એક બાર કોણિક કી પત્ની ને ઓ શેષનક કો દેખા ઓર હાર ઓર કુંડલ ભી દેખે, ઉસકો હુઆ કે હો એસી અચ્છી ચીજે ઇનકો દે દી, અને ઉસને અપને પતિ કો दही कितना भी जमा हुआ हो, दही कितना भी जमा हुआ हो, यो लो तो लगे को हो खाने जैसा है, मगर ऐसे दही में भी वो झेरनी डालो तो है क्या हो जाता है, फोदे फोदे अलग, जमावट खत्म, और क्या बन जाती है वो दही, छास। क्या बनती है, झेरनी।
झेलनी जैसी एक आत्मा जो आएगी घर में, तो भाई भाइयों का प्रेम, माता पिता प्रति की भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बनो तो दूध में दही जैसे बनना। दही दूध कितना भी फैला हुआ हो मगर उसमें थोड़ा दही डालो ने तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। हाँ, कैसा भी बिखरा हुआ घर हो, भाई भाई बोलते ना हो, मगर यदि घर में आने वाली जो दही बनकर आई हो ने तो प्रेम, मैत्री, समर्पण, वडिलों की भक्ति ऐसी पैदा कर देती है कि घर वाले भी सोचते कि वो एक कन्या अपने घर में आई तो अपने घर का वातावरण चेंज हो गया, और एक कन्या ऐसी आई कि अपने घर के वातावरण को। हाँ, इसलिए पुण्यवान हो तो घड़ी तो दौड़ रही है, एक घंटा ही दौड़ती है, बाकी पूरी दिन ऐसी रहती है। यहाँ पर उस पद्मावती ने कौनिक के कान भरने चालू कर दी। अरे भाई, मैंने भी मुझे भी कम थोड़ा दिया पापा ने, हम हमको भी दिया, रात दिया मेरे को, तो गादी पे किसको बिठा, कौनिक को। भले उसने कावा दावा किया मगर मिले तो मिला तो सही ने। तो पप्पा अपने हाथ से लेके गए, अपना नहीं है क्या? बोले तो रोज एक की एक बात 100 बार आपके कान में पड़ेगी ने तो आप भी कंटाल जाओगे, आप भी बोर हो जाओगे, रोज रहना उसके साथ ने। अब रोज की है क्या माता पोड़ी? तो कौनिक ने एक दिन हल अभियल को बुलाया कि भाई सेचनक हाथी मुझे दे दे अने हार ने कुंडल दे दे। उन तो वही बाप का ही था ने, वो कैसे झुकेगा है। ऋषभदेव भगवान के बेटे भरतेश्वर ने बाहुबली हैं, तो अभी जब भरतेश्वर ने बोला कि मुझे झुक, हाँ तू बड़ा भाई है तो मुझे झुकने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर तू ऑर्डर करता है कि मेरे अंडर में आ जा तो नहीं आना है। हूं तो वही क्षत्रिय वंश था भाई, राजा नहीं नबे। अरे 12 वर्ष तक भरतेश्वर और बाहुबली के युद्ध चले, आपको सबको मालूम है। इसलिए मैंने बोला मैं आपको सिखाने नहीं आया, मैं सिर्फ जगाने आया हूँ। अब जगो और भगो। हाँ, अब जगो, बहुत किया आपने अपने व्यवहार के काम, व्यापार के काम, धंधा के काम सब किए, अपनी आत्मा का भी कुछ करो। हाँ, पता नहीं कहाँ आग बीच जाएगी। तो यहाँ पर भी उसने बहुत कहा तो उसने ना बोला कि नहीं ऐसे नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे तो कहता है कि भैया मुझे बहुत अच्छी लग रही है चीज तो दे दे, तो दे दो, पर तू बोले कि तेरी भाभी को अच्छा लग रहा है तुझे देना पड़ेगा तो नहीं दूंगा। दोनों भाइयों को हो गया क्रॉस। देखो, कोई भी बात को, कोई भी प्रश्न को प्रतिष्ठा का विषय बना लेते ना अपन, तब ही संसार के अंदर वाद विवाद चल शुरू हो जाते हैं। कभी कोई भी प्रश्नों को लेट गो करना सीख लो, उसको प्रतिष्ठा का विषय कभी मत बनाओ। मैंने बोला क्यों नहीं किया, नहीं, कभी अपना जस नाम कर्म ना हो तो अपना बच्चा भी नहीं करता है, अपनी औरत भी नहीं करती है। बैठा बैठा ऑर्डर ठोको के पानी गिलास भरी ला, अने वो रोटी बनाती मन रोटी तावड़ी माथे गर्म रहती हुए थोड़े पानी देवा जाए तो रोटी जल जाए, तो वह कही कि बैठा बैठा उपा भी लौटे, उसमें कोई गलत है? उस समय तो गुस्सा करो, क्रोध करो, ने थाली पटको खावारू नहीं खाओ तो बस वो वाद विवाद का निमित्त बनेगा। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना, वो समझदारी नहीं है, वो असमझदार लोगों की बातें। हमें और रोटी सेक रही है और पानी देवा जाए तो रोटी जल जाने वाली है, तो उसने रोटी को बचाने के लिए आपको बोला कि सामने ही पानी है, खड़े होके ले लो, क्या बुरा कहा उसे, बुरा कहा? तो नहीं, अपेक्षा, मैंने बोला क्यों नहीं करे। पृथ्वी भी बेचार सुनाए, वही कोई कम थोड़ी है, वही भी मोटा बापरी लड़की दिख रही है, वही भी हुनाई पसी वो पियर चली जाए, 10 दाल रूखी रोटी खानी पड़े या कच्ची रोटी खानी पड़े, और फिर पेट दुखे तो करो दोष है हमें, थोड़े दोष है यहाँ। इसलिए हमेशा समझ रखना, बुद्धि रखना। यहाँ पर भी इसने बुद्धि रखी नहीं और उसके सामने चैलेंज कर दी। अब हल विहल ने मुकाबला तो किया, पर देखा कि उसके पास सैन्य ज्यादा, मेरे पास नहीं है, तो सगे मामा कौन थे हैं उनके पास, उसने
जब कौनिक ने उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर किया तब हल विहल राजा चेरा महाराजा अपने मामा थे उनके पास चला गया कि मामा मुझे बचाओ। और बहन का लड़का मामा के पास आवे तो उसका थोड़ा हक रहता है रक्षा करना। चेड़ा महाराज ने बोला रह यार, तो शरण में आया है तो तेरी रक्षा मैं करूँगा। कौनिक ने कहा कि कुछ भी हो जाए हल विहल को मुझे सौंपो, या तो शेषनाग और हार कुंडल दे दो, अब आगे क्या होता कैसे होता है और अपना बुद्धिया भी चल रहा है अपना। हाँ खार पड़न सब साफ हो जाओ, उसने बोल दिया सब साफ हो जाओ। किसानों का वो बीज बोने का टाइम चल रहा था ना, साफ बोला तो वो जमा होकर उसको वहां मारपीट किया। अरे भाई साहब गलती हो गई, क्या बोलो बोलो तो बहुत हो भाई बहुत हो। ठीक है आगे ऐसे बोलूंगा, आगे जा रहा था ना, आगे जाते जाते कोई नगर सेठ का लड़का एक का एक लड़का बेचारा हार फेर हुआ मर गया, पूरा गांव जमा हुआ था और उसको उठाकर जब जा रहे थे गांव के बाहर बुढ़िया मिल गया और उसने तो यह उन्होंने कहा है बहुत हो भाई बहुत हो, और जो जो से चिल्लाना चालू कर दिया बहुत हो भाई बहुत हो बहुत हो भाई बहुत हो। लोग सोचते अपना इतना अच्छा गांव का नगर सेठ लोगों का हमेशा काम करने वाला एक का एक लड़का मर गया, साला ये बोल रहा है सेठ का दुश्मन लगता बहुत हो करता पकड़ा और मारने लग गए। हाँ मुझे बोला था आगे बढ़ ऐसा नहीं बोलने का, तो क्या बोलने का कभी ना हो भाई कभी ना हो। ठीक है आगे बोलूंगा, अब आगे क्या कैसे बोलता है क्या होता है।